सोनम कपूर की मेहंदी सेरेमनी में पहुंची रानी मुखर्जी, हाथों में लगाई आदित्य के नाम की मेहंदी। सोनम कपूर की शादी की धूम जोरों से शुरू हो गई है और आज शाम हो रहा है मेहंदी का कार्यक्रम, जहां मौजूद है बॉलीवुड की कई हस्तियां। सोनम के दूल्हे राजा आनंद भी पहुंच गए हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस जश्न में रानी मुखर्जी भी शामिल हुई हैं। रानी को अपनी फिल्मों के प्रमोशन के अलावा बहुत ही कम देखा जाता है, मगर सोनम की शादी की रस्मों में तो आना बनता है। रानी खुद तो सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए उनके फैंस के लिए करण जौहर ने उनकी तस्वीर अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की। करण ने रानी के साथ साथ सोनम के पिता अनिल के साथ भी सेल्फी ली। तीनों के हंसते मुस्कुराते चेहरे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। रानी ने अनिल के साथ नायक में काम किया है। रानी जब इस सेरेमनी से बाहर निकली तो इनके हाथों में भी शगुन की मेहंदी लगी हुई थी। खास बात यह है कि रानी ने मेहंदी से अपनी हथेली पर सिर्फ ए लिखा था, जो उनके पति आदित्य के नाम का पहला अक्षर है। करण ने यहां मौजूद यंग जनरेशन के साथ भी तस्वीरों के लिए पोज दिया, जिनमें शामिल थे जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, संजय कपूर और उनकी बेटी शनाया कपूर, और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भी इस तस्वीर का हिस्सा है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर भी इस सेरेमनी में शामिल हुए थे। उन्होंने भी बनने वाली दुल्हन सोनम के साथ सेल्फी ली और इसे अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया। सोनम की शादी मंगलवार 8 मई को बांद्रा में अपनी मौसी कविता के सी फेसिंग बंगले में होगी। शादी के बाद शाम को मीडिया के लिए रेड कार्पेट रखा गया है, जहां सोनम अपने पति आनंद के साथ मीडिया से रूबरू होंगी।